चलो बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट करते हैं। कुछ लिया था इसका पहले? मैं नहीं दिखता यार रिकॉर्डिंग में। ओके सो बायोटेक का कुछ लिया अपन ने पहले, स्टेप्स लिए ना, ठीक है। एक बार मेंशन कर देते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बायोटेक्नोलॉजी और आरडीएनए टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मेनली वर्क करेगा विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क करेगा विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में अपन बोलेंगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करने के हमारे पास में कुछ स्टेप्स है, हम लोग वो स्टेप्स को वन बाय वन स्टडी करने वाले इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इट्स आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जो डीएनए में आप लोग इंटरेस्टेड हो, जिस डीएनए को यूज करके हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करना है, सबसे पहले उसको क्या करना है? आइसोलेट करना पड़ेगा, सेल से बाहर, न्यूक्लियस से बाहर निकालना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप इट्स अ फ्रेगमेंटेशन। डीएनए साइज में बहुत बड़ा रहेगा, इतने बड़े डीएनए के साथ वर्क करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग एक इंपॉर्टेंट जीन के साथ वर्क करेंगे एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज द रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। ये सेकेंड स्टेप रहेगा, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, इसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन का भी नेम देंगे। फ्रेगमेंटेशन हो गया, ढेर सारे डीएनए के पीसेज मिल गए। आफ्टर दैट कोई एक पर्टिकुलर जीन हम लोग इंटरेस्टेड है, किसी एक पर्टिकुलर जीन में सिर्फ उसी के साथ में वर्क करना है। दैट्स व्हाई हमें वो जीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। एक बार हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, देन वील गो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम लोगों को अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करना है। इसी स्टेप को हम लोग वेक्टर का यूज भी स्टडी करने वाले, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन, ठीक है। यहां पर हम लोग मेनली स्टडी करेंगे इन रिलेशन टू द वेक्टर, ओके। एंड लास्ट स्टेप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट की बॉडी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, सो दैट वो क्या करेगा? वहां पर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। सो इट्स अ मल्टीप्लिकेशन, ओके। ये रहेगी हमारे फाइव स्टेप्स इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये पांचों के पांचों टॉपिक्स को स्टडी करेंगे और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इन शॉर्ट बायोटेक्नोलॉजी हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। वर्ड आइसोलेशन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोविड ने बहुत अच्छे से बता दिया आइसोलेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, लिसन केयरफुली। हम लोग क्या करने वाले हैं? हमें एक इंपॉर्टेंट जीन चाहिए। हम लोग एग्जाम्पल में कंसिडर कर लेंगे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है। एग्जाम्पल में अपन लेंगे इट्स अ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। नहीं जम नहीं रहा ना? नहीं हाँ, ओके। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन ब्लैक कर दे बैकग्राउंड। सो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन के साथ हम लोग को वर्कआउट करना है, दैट्स व्हाई वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन दिस जीन, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, लिसन केयरफुली। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन बींग का डीएनए सेल से बाहर निकालेंगे, ओके। जो भी डीएनए के, जिस भी जीन में आप लोग इंटरेस्टेड हो, वो ऑर्गेनिज्म हम लोग चूज करेंगे। ऑर्गेनिज्म के बॉडी से हमको क्या करना है? डीएनए बाहर निकालना पड़ेगा। डीएनए बाहर निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, कौन से सेल यूज करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमको डीएनए कहां से मिलेगा? इजीली, हम लोग ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं। अब ह्यूमन बींग को मारकर तो डीएनए नहीं निकालेंगे ना, है ना। अपन ह्यूमन बींग को बचाने के लिए सारी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर ह्यूमन बींग को बचाना है तो आपको डीएनए यूज करना है। डीएनए कहां से मिलेगा? इजीली डीएनए मिल जाता है हम लोग को फ्रॉम ब्लड, ठीक है। ब्लड से बड़े आराम से हम लोग को डीएनए मिल जाएगा, ओके। नाउ ब्लड में हमारे पास में कौन सा ऐसा सेल है जो ब्लड से आपको डीएनए दे सकता है? नाउ ब्लड में जनरली देयर आर थ्री टाइप ऑफ सेल्स, तीन प्रकार के सेल्स होता है ब्लड के अंदर। कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ओके। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम लोग ब्लड से डीएनए आइसोलेट करेंगे तो एक्चुअली हमको डीएनए कौन से सेल से मिलने वाला है, किससे मिलेगा,
किससे मिलेगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीनों में से कौन सा सेल आप लोगों को डीएनए प्रोवाइड कर सकता है? इट्स अ रॉन्ग, इट्स अ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, थोड़ा याद करो, सर्कुलेशन यूनिट पढ़े थे हम लोगों ने, सर्कुलेशन यूनिट में हमारा डिस्कशन हुआ था दैट आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड, आरबीसी के पास न्यूक्लियस ही नहीं है। अगर आरबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, अगर आरबीसी सेल के पास न्यूक्लियस है तो ढेर सारा हीमोग्लोबिन कैरी नहीं कर पाएगा, अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई मैच्योर आरबीसी सेल के पास में न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं होता है, तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स तो सेल ही नहीं है, ठीक है, प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स, ये क्या है, हमारे सेल्स के जो ब्लड के सेल्स होते हैं उसके फ्रेगमेंट्स है। ओके, दैट्स अ प्लेटलेट्स, ये भी कैसा रहेगा, नॉन न्यूक्लिएटेड, बचा क्या, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के पास में ढेर सारा न्यूक्लियस अवेलेबल होता है, आप लोगों ने ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट स्टडी भी किया है, तो डब्ल्यूबीसी से हमको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिल सकता है या फिर डीएनए मिल सकता है। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, कोई एक पर्सन चूज किया, वो पर्सन के बॉडी से थोड़ा सा ब्लड निकाला। ओके, ब्लड के ऊपर हम लोग कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे एंड नाउ हमको वहां से क्या मिल गया, डब्ल्यूबीसी मिल गया। नाउ लिसन केयरफुली, ये हमारा टेस्ट ट्यूब इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत ही छोटे साइज के ट्यूब्स होते हैं, फिर भी समझने के लिए हम लोग जनरल टेस्ट ट्यूब को ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमारा सेल अवेलेबल है, टेस्ट ट्यूब में क्या है, ढेर सारे सेल्स है, और सेल से हमको क्या लेना है, डीएनए लेने का है। ठीक है, सेल के पास में कौन कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है, सेल इज जनरली मेड अप ऑफ लिपिड, सेल के अंदर लिपिड अवेलेबल रहेगा, सेल के अंदर प्रोटीन्स अवेलेबल रहेंगे, सेल के अंदर आरएनए अवेलेबल रहेगा, कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल रहेगा एंड डीएनए प्रेजेंट रहेगा, ये सारी चीजें हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, ये सारी चीजों में से हम लोग किस में इंटरेस्टेड है, आर यू इंटरेस्टेड इन लिपिड प्रोटीन आरएनए, नो, हम लोग इंटरेस्टेड किस में है, डीएनए में। मतलब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको केवल डीएनए मिलना चाहिए, अभी इसमें क्या है, ये सारी चीजें है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर अभी सारी चीजें अवेलेबल है, अगर ये सब का सब मटेरियल हमारे टेस्ट ट्यूब में रहेगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ठीक से नहीं बनेगा, आपका एम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। दैट मींस सबसे पहले आपके पास में प्यूरिफाइड क्या होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए। तो हमारे पास प्यूरिफाइड डीएनए कैसे मिलेगा, टेस्ट ट्यूब में राइट नाउ आपके पास में सेल्स अवेलेबल है, तो अपन क्या करेंगे, सेल में जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है वो सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को वन बाय वन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम डाल देंगे। सेल में जितना भी मैक्रोमोलिक्यूल्स अवेलेबल होता है, दीज ऑल आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, जितना भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे सेल में है उसको डाइजेस्ट करने के लिए वन बाय वन एंजाइम ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर सेल में लिपिड है तो लिपिड कैसे डाइजेस्ट करोगे, लाइपेज एंजाइम से। ठीक है, क्या करेंगे अपन, इसके अंदर लाइपेज एंजाइम ऐड कर देंगे, कुछ ही समय के बाद जितना भी लिपिड ये सेल्स में अवेलेबल था वो डाइजेस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स नाउ नो मोर लिपिड, अब यहां पर लिपिड अवेलेबल नहीं रहा, आगे बात समझ में। नाउ सेकंड थिंग, प्रोटीन में इंटरेस्टेड हो, नो, प्रोटीन को रिमूव करना पड़ेगा, प्रोटीन को रिमूव करने के लिए एंजाइम क्या डालोगे, प्रोटीएज। ठीक है, प्रोटीएज डाला हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब के अंदर, प्रोटीएज डालते ही क्या होगा, जितना भी प्रोटीन था वो प्रोटीन सेल में से, सॉरी, टेस्ट ट्यूब में से रिमूव आउट हो जाएगा। नाउ देयर इज अ आरएनए, आर यू इंटरेस्टेड, नो, हमें क्या चाहिए, ओनली डीएनए चाहिए, दैट्स व्हाई आरएनए को रिमूव करने के लिए क्या डालोगे, आरएनएज। ठीक है, आरएनएज ये भी एंजाइम है, हम लोग टेस्ट ट्यूब में आरएनएज डालेंगे, आरएनएज डालने के कारण आरएनए टेस्ट ट्यूब से रिमूव आउट हो जाएगा। नाउ देखो, आपके टेस्ट ट्यूब में लिपिड नहीं, अब प्रोटीन भी नहीं है, आरएनए भी नहीं है, बचा क्या, ओनली डीएनए बाकी रह गया। ठीक है, तो इसके अंदर भी ढेर सारा लिक्विड फॉर्म अवेलेबल है, और ये लिक्विड फॉर्म में ही सोल्यूबल कंडीशन में क्या प्रेजेंट है, यहां पर अभी आपका डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, दिख रहा है क्या डीएनए, नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको सेल भी दिखाई नहीं, न्यूक्लियस भी दिखाई नहीं देता, डीएनए भी दिखाई नहीं दे रहा, और हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि भाई हमारे टेस्ट ट्यूब में क्या है, डीएनए है। ओके, अगर आप लोग सिर्फ कंसीडर कर लोगे कि भैया टेस्ट ट्यूब में डीएनए है, कंसीडर कर लिया कि हमारे टेस्ट ट्यूब में डीएनए है, और आगे अपन ने सेकंड प्रोसेस के ऊपर चले गए, सेकंड प्रोसेस कौन सा, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया, उसके बाद में वेक्टर फॉर्म कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म कर दिया, ट्रांसफर भी कर दिया, और पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ा कि हमारे को कुछ मिला ही नहीं, जो आपने प्रोसेस परफॉर्म किया एक्चुअली इसके अंदर डीएनए था ही नहीं, हमको लास्ट में मालूम पड़ रहा, चार पांच दिन तक की प्रोसेस परफॉर्म कर रहे, उसके बाद मालूम पड़ा कि जो पहला वाला स्टेप था वही सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर चेक करना पड़ेगा कि रियली आपके टेस्ट ट्यूब में डीएनए है या नहीं। ओके, तो हम लोग एक केमिकल इसके अंदर ऐड करेंगे, वो केमिकल ऐड करने के कारण आप लोग टेस्ट ट्यूब में डीएनए को देख सकते हो। ये पूरे प्रोसेस में दो स्टेप ऐसा आएगा जहां पर आप लोग डीएनए का प्रेजेंस
चेकआउट कर सकते हो। ये पूरी प्रोसेस में दो स्टेप ऐसा आएगा जहां पर आप लोग डीएनए प्रेजेंट है या नहीं इसका कंफर्मेशन कर सकते हो। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को कि डीएनए का स्ट्रक्चर कोई नहीं देख सकता, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है ठीक है, ये नहीं दिखेगा आपको, वैटसन एंड क्रिक को भी नहीं दिखा ये तो ठीक है, उन्होंने क्या किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड यूज किया था उसके बेसिस के ऊपर डीएनए ऐसा दिखता होगा ने बताया है ओके। तो कितना भी बड़ा माइक्रोस्कोप यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, आप लोग ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे ठीक है। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे इसमें, हम लोग यहां पर डीएनए प्रेजेंट है सिर्फ इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा ठीक है, वो स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ये स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम लोग डीएनए देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपने सारे एंजाइम डाल दिए ठीक है, एंजाइम डालने के बाद अब हम लोग ये टेस्ट ट्यूब में चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे, चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे। जैसे ही हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर चिल्ड इथेनॉल ऐड किया, जैसे आप लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर चिल्ड इथेनॉल ऐड करोगे और अगर इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है तो आपको यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, व्हाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस ठीक है। ये दिखता है नेकेड आई से, ये नेकेड आई से दिखेगा आपको, व्हाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर नेकेड आई से अपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर व्हाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये क्या है, डीएनए ठीक है। मतलब जो प्रोसेस आप लोगों ने परफॉर्म किया था, जो सेल आपको नहीं दिखाई दिया, न्यूक्लियस नहीं दिखाई दिया, उसके अंदर का डीएनए दिख गया बराबर। अब आपको मालूम पड़ गया कि आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए है, ओके, आपने डीएनए का आइसोलेशन सक्सेसफुली कर लिया है। अगर डीएनए आपके पास आ गया तो आप लोग अब सेकंड स्टेप परफॉर्म कर सकते हो, क्लियर हो रहा है, समझ में आया। तो ये रहेगा हमारा सबसे पहला स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डीएनए ओके। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए आपको इंपॉर्टेंट बातें क्या ध्यान रखना है, कभी कभी आप लोग बैक्टीरिया यूज करोगे, बैक्टीरिया का डीएनए बाहर निकालना है ठीक है। समटाइम अपन क्या करते हैं, बैक्टीरिया के साथ में वर्क करते हैं। अगर हम लोग बैक्टीरिया से डीएनए को बाहर निकालेंगे तो आपको एंजाइम यूज करना पड़ेगा ठीक है, एंजाइम यूज विल बी लाइसोजाइम ठीक है, ये एंजाइम हमको यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग बैक्टीरिया यूज कर रहे हो, बैक्टीरिया का डीएनए हमको बाहर निकालना है, बैक्टीरिया का डीएनए आप लोग आइसोलेट कर रहे हो तो एंजाइम कौन सा लगेगा, लाइसोजाइम लगेगा। इफ वी आर यूजिंग द प्लांट्स, अगर हम लोग प्लांट्स यूज कर रहे हैं तो प्लांट्स के पास में भी सेल वॉल अवेलेबल है, प्लांट्स का सेल वॉल डाइजेस्ट करना पड़ेगा, प्लांट का सेल वॉल डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या रहेगा, सेल्यूलेज रहेगा ठीक है। अगर आप लोग फंगस यूज कर रहे हो तो फंगस का भी सेल वॉल होता है, फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना है, दैट्स व्हाई क्या यूज करना पड़ेगा, एंजाइम क्या यूज करोगे, काइटिनेज ओके, एंजाइम विल बी द काइटिनेज ओके। देखो बैक्टीरिया यूज किया, बैक्टीरिया का डीएनए निकालना है तो एंजाइम लाइसोजाइम, प्लांट्स अगर रहेगा तो एंजाइम, एंड अगर फंगस का सेल वॉल डाइजेस्ट करना है तो एंजाइम विल बी काइटिनेज ओके। और अगर आप लोग ह्यूमन बींग का डीएनए निकाल रहे हो या एनिमल सेल का डीएनए निकालोगे तो सेल वॉल डाइजेस्ट करने को कौन सा एंजाइम यूज करोगे, ह्यूमन बींग का एनिमल का सेल वॉल डाइजेस्ट करने के लिए क्या यूज करोगे, सेल वॉल ही नहीं होता है ना ठीक है, एनिमल सेल्स ह्यूमन सेल्स हमारे पास में सेल वॉल ही नहीं होता है ठीक है, दैट्स व्हाई हमको ये कोई भी एंजाइम यूज करने का काम नहीं पड़ेगा ओके। अब आपने बैक्टीरिया यूज किया साथ में लाइसोजाइम ओके, ये हो गया। इसके बाद में फिर आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या जाएगा, प्रोटीएज, ये सबको लगेगा, प्रोटीन तो सबके पास है, बैक्टीरिया के पास में भी है, ह्यूमन बींग के पास में भी है, प्लांट के पास में भी है, सबके पास में है, ये चूज करना है आपको ठीक है, इसमें से कोई एक लगेगा बिकॉज यहां से कोई एक आपका सोर्स है। बैक्टीरिया अगर है तो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम के बाद में फिर प्रोटीएज, और क्या डालोगे, लाइपेज ठीक है, और क्या डालोगे, आरएनएज, क्लियर हो गया ठीक है। अगर आप लोग प्लांट यूज कर रहे हो, प्लांट का डीएनए बाहर निकालना है सेल से, तो पहले सेलुलेज का ट्रीटमेंट दो, प्लांट का सेल वॉल डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद फिर प्रोटीएज लाइपेज आरएनएज का ट्रीटमेंट देंगे। अगर आप लोग फंगस यूज कर रहे हो तो पहले फंगस का सेल वॉल डाइजेस्ट करो काइटिनेज से, नाउ सेल वॉल डाइजेस्ट होने के बाद फिर प्रोटीएज लाइपेज आरएनएज यूज करो। अगर आप लोग एनिमल सेल यूज कर रहे हो तो यहां पर कोई एंजाइम नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटीएज आरएनएज और लाइपेज का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ठीक है। तो आप लोगों को अल्टीमेटली टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है। ये सारी प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद टेस्ट ट्यूब में आप लोग को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा आफ्टर एडिंग चिल्ड इथेनॉल ठीक है। इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इनफैक्ट दिस ईयर 2023 में भी यही एग्जाम का क्वेश्चन है ओके।
लिमिटेड टॉपिक है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा बायोटेक्नोलॉजी में। 5 क्वेश्चन आया हुआ है इस साल 2023 में, बायोटेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन हर साल रिपीट होगा, कुछ भी नया नहीं है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस न्यू टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये यूनिट के अंदर कुछ चीज है ही क्वेश्चन पूछने को, इसलिए एक ही टाइप का क्वेश्चन बार 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 सिर्फ फॉर्म चेंज करके पूछता है। फॉर एग्जाम्पल सम टाइम दे विल आस्क यू व्हाट विल यू एड टू प्रेसिपिटेट आउट द डीएनए, डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए आप लोग क्या ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, चिल्ड इथेनॉल। ठीक है, डीएनए विल बी डैश बाय एडिंग द चिल्ड इथेनॉल, डीएनए विल बी डैश्ड बाय एडिंग द चिल्ड इथेनॉल। सेंटेंस दिया आपके इसमें प्रेसिपिटेट आउट, ठीक है, तो डीएनए विल बी प्रेसिपिटेट आउट बाय एडिंग द चिल्ड इथेनॉल। ये क्वेश्चन पूछा था इस साल 2023 के अंदर, बाय एडिंग इथेनॉल डीएनए विल बी डैश, ऑप्शन के अंदर प्रेसिपिटेटेड आउट। क्लियर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेप, दिस इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब आपके पास टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए आ गया, ये सपोज हमने एग्जाम्पल क्या कंसिडर किया, किसका डीएनए है, ह्यूमन बींग का डीएनए, ओके, और ये पूरे डीएनए में इंटरेस्टेड हो क्या, नो, ठीक है, हम लोग पूरे डीएनए के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, आप लोग ये इतने बड़े डीएनए में से छोटे से डीएनए के पीस में इंटरेस्टेड हो, जिसे आप लोग क्या बोल रहे हो, जीन, ठीक है, कौन सा जीन, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन, ठीक है, तो हम अब हमको क्या करना है, यहां से इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, इतना पॉइंट नोट करो, सेकंड स्टेप बताता हूं।